तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं HPL, जो बारिश के कारण ख़राब हो जाता है, फ्रंट पे लगता है दोस्तों, गेट पे लगता है, गेट का है। तो दोस्तों ये पानी से ख़राब हो चुका है, इस पे आज हम डीको करेंगे, कुछ इस प्रकार फाइनल बेस होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऑटो कोट अधेशन प्रमोटर प्राइमर लेना है। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये है, आप इसका एक एक हाथ लगाते हैं, बारिश से जो पड़ती है, बारिश पड़ेगी इसमें पानी वगैरह कुछ भी पड़ेगा तो दोस्तों इसे कवरेज करता है, ये प्लास्टिक की तरह होता है, ये एक बार लगने के बाद इस पर पानी असर नहीं करेगा दोस्तों। तो इसे देखें आप किस तरीके से लगाते हैं, इसे कपड़े से भी लगा सकते हैं, स्प्रे से भी लगा सकते हैं, मगर मैं कपड़े से आपको लगा के दिखाता हूँ, सिर्फ एक हाथ लगाना है इसका दोस्तों, देख सकते हैं आप लगाते हुए। उसके बाद इस पर ऑटो कोट HD का ये सल्फ्रेशर है ग्रे, तो दोस्तों उसे लगाने के बाद 10 मिनट के बाद आप इसे डाल सकते हैं, सल्फ्रेशर बेस कोट बोलते हैं इसे। तो दोस्तों इसे ले लेना है, लेने के बाद फिर इसमें इसके अनुसार थिनर मिला लेना है, ये NC थिनर है देख सकते हैं आप, फिर इसमें NC थिनर को मिला लेना है। तो दोस्तों वो रेडी हो गया है, अब इस पर एक एक कोट सल्फ्रेशर का स्प्रे कर देना है। देखिए आप जैसे मैं कर रहा हूँ इस पर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हल्का हल्का उड़ाना है, ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि HPL इसमें ओवर कोटिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मोटा माल नहीं होना चाहिए वरना पापड़ी सी बन जाएंगी। तो दोस्तों इस पर इसे डाल लेना है, देख लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों इस पर ये डल रहा है सल्फ्रेशर पेस कोट, आप देख सकते हैं, जो बारिश के कारण ख़राब हो जाते हैं HPL वगैरह, तो उस पर हम कैसे वर्क करते हैं आपको हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अब ये हमने इस पर सल्फ्रेशर डाल दिया है, अब दोस्तों इसमें पट्टी वगैरह आ रही है, तो दोस्तों अभी हम पट्टी भरेंगे, देख सकते हैं आप पुट्टी ग्रे NCHD की है। तो दोस्तों इसमें जहाँ जहाँ आ रही है पट्टी वहाँ वहाँ इसमें आप पुट्टी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लिया हमने आपको पुट्टी, दो तीन हाथ इस पर पुट्टी खेच देनी है अच्छे से, जो इस में रिपेयर है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसे इसमें कुछ नहीं मिलाना, बिल्कुल डायरेक्ट खींचनी है, जैसे डिब्बा आता है बहुत से थिनर मिला लेते हैं, चाक मट्टी मिला लेते हैं। दोस्तों भर गई है ये पट्टी इसमें, तो अब इसमें पेपर का यूज़ करना है 320, देख सकते हैं आप ट्रू स्टार एशियन पेंट का ये रेग माल है, अब इस पर रेग माल लगा लेना है, जो इसकी रेग रिपेयर है उसे घिस लेना है अच्छे से, कोई दाढ़ा वगैरह ना रहे, इसकी अच्छे से मंजाई करके। अच्छे से मंजाई करनी है दोस्तों इसकी, देख सकते हैं आप मैं दिखा रहा हूँ आपको मंजाई करते हुए इसकी। दोस्तों इसमें जो सुराख दिखाई दे रहे हैं ये रिपीट हैं उसके गेट में, जिससे ये रुकेगा। दोस्तों इसकी ये मंजाई हो चुकी है, अभी से जो है हम कपड़े से साफ कर लेते हैं इसे, देख सकते हैं जहाँ जहाँ इसकी रिपेयर है वहाँ ये सेट हो चुका है, और बाकी इसे अच्छे से सूती कपड़े से साफ करके इस पर फिर एक कोट सल्फ्रेशर का उड़ाएं, ताकि ये पट्टी जो है ये दब जाए इसकी। तो दोस्तों इस पर फिर HD का ऑटो कोट सल्फ्रेशर सेकंड कोट डाल देना है, देखिए आप
तो दोस्तों वीडियो लंबी तो होगी पर उस जगह मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप सब बात समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप, ये हमने सेल प्रेशर ले लिया है, ये इसका थिनर एनसी थिनर, फिर इसे ऐसे मिला लेना है दोस्तों। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, मौसम ठंडा है, थोड़ा इसे गाढ़ा चलाना है ठंड के मौसम में, ज़्यादा पतला नहीं चलाना, गाढ़ा गाढ़ा करके चलाना है, इसे गोल माल चलाना है। पतला करोगे तो सूखने में दिक्कत होगी और कवरिंग भी थोड़ी कम आएगी, इसलिए इसे थोड़ा मोटा ही मोटा चलाएं दोस्तों। इसे हमने भर लिया है गन में, इस पर स्प्रे करेंगे हम, जो हमने पट्टी भरी थी ना उसे कवरिंग करने के लिए। देख सकते हैं आप, ये सेकंड कोट सेल प्रेशर का इस पर डल रहा है, होले होले से उड़ा लेना है दोस्तों इसे। देख सकते हैं आपके सामने, घर लाऊँ जो भी इसकी रिपेयर है वो सब दुबक जाए, ताकि पेंट में डालते में कोई दिक्कत ना आए। ये कवरेज कवरिंग के लिए हैं, जो हम सेकंड कोट सेल प्रेशर का डाल रहे हैं ये कवरिंग के लिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों जो भी कोई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये इस पे हमने सेकंड कोट डाल दिया। तो दोस्तों ब्राउन क्यू देख सकते हैं आप। तो दोस्तों डिब्बा खोलने के बाद इसे अच्छे से पहले मिला लें, अच्छे से मिला लें, इसके जो भी नीचे बैठा होता है वो सब मिल जाए। तो दोस्तों पहले हम इसे आधा बनाएंगे, ये हमने इसका पेंट ले लिया। तो दोस्तों इसका ये पेंट लेने के बाद इसमें हम हार्डनर डालेंगे, ये दोस्तों इसका हार्डनर है, इसके अनुसार हार्डनर ले लेना है। तो दोस्तों ये पेंट जो है डूपोंट का है, एसडी डूपोंट, तो इसका ये थिनर है दोस्तों, थिनर इसके अनुसार मिला लेना है। मौसम ठंडा है तो थोड़ा थिनर कम ही रखें, और उसके बाद इस पर फाइनल कोटिंग। दोस्तों ये तैयार है, अब इस पर हम इसकी फाइनल कोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले हल्का हल्का रब उड़ा लेना है, एकदम नहीं डालना, पहले के कोट रफ उड़ा के तब इसे जो है ना फाइनल करना है। जितना आप होले होले डालेंगे दोस्तों उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी और ना ही दाना आएगा। आप पहले कोट में सोचेंगे आप भर के डाल दें तो दोस्तों मौसम भी ठंडा है और जगह में दाना आ जाता है, इसलिए आप दो तीन दफ़े में इसे डालें होले होले करके, और फिनिशिंग भी अच्छी होगी। देख सकते हैं तो दोस्तों ये नहीं उसे कम है सीधा ही डालना है, आड़ा तिरछा सब तरफ से डालना है। तो दोस्तों वो उसके कारण ये है क्योंकि इसमें कवरिंग आ जाती है, इससे इसका जो दाना है वो कटता चलता है। हल्के तेज प्रेशर से डालना है फाइनल टच, देख सकते हैं दोस्तों इसका ये फाइनल टच पड़ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या फिनिशिंग आ रही है इस पर। तो दोस्तों जो भी कोई हमारे चैनल पर नया है, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आगे वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये फाइनल हो चुका है।